नई यामा FZX से पहला मेन हाईलाइट इस मोटरसाइकिल में है, का प्राइस ऑन रोड क्या पड़ रहा है। तो फ्रंट से देख लो बाइक, LED DRL लाइट के साथ साथ आपको LED प्रोजेक्टर लाइट इसमें देखने को मिलता है। ये देखो LED प्रोजेक्टर लाइट इसमें देखने को मिल जाता है इस सेगमेंट में। फ्रंट फेंडर देखोगे तो कंप्लीट स्टील बॉडी है बाबा। ये देखिए मैट ब्लू फिनिश आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला मेन हाईलाइट इस मोटरसाइकिल में है, 282 mm का आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, 220 mm का आपको बैक में डिस्क ब्रेक मिलता है। टायर सेक्शन आपको 180/17 का आपको MRF कंपनी का फ्रंट में टायर सेक्शन मिल जाता है। टेलीस्कोपिक फ्रॉक सस्पेंशन मिल जाता है और फ्रंट सस्पेंशन का जो रबर गार्ड होता है इसमें आपको प्री इंस्टॉल कंपनी फिटेड मिल जाने वाला है। दूसरा अपडेट आपको इसमें ये मिलेगा, ये देखो इसमें अब आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। पहले आपको बल्ब एंड रिफ्लेक्टर वाला इंडिकेटर लगा के कंपनी दे रही थी, तो इसमें अब आपको LED इंडिकेटर आपको लगा के दिया जा रहा है जो कि काफ़ी ब्राइट है। सीट हाइट है दोस्तों इस मोटरसाइकिल का वो आपको 810 mm का आपको इसमें सीट हाइट देखने को मिल जाएगा। बैक प्रोफाइल आप लोग देख लो, ये देखो बैक से इस मोटरसाइकिल को आप देखोगे तो कंप्लीट यहाँ पे जो बैक टेल लाइट है ना वो आपको यहाँ पे LED का टेल लाइट आपको सेटअप देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक देखो ऊपर से देखो कितना ब्रॉड है, देखो ये देखो 10.1 लीटर का इसमें आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। मेटल है बाबा, कोई फाइबर का ऑप्शन ही नहीं दिया गया इसमें। चाबी आप लोग देख लो, चाबी कुछ इस प्रकार इस मोटरसाइकिल के मिलेंगे। यामाहा वाले चाबी का डिज़ाइन तो कुछ अलग करो। तो मेन हाईलाइट आपको यामाहा FZX 2023 मॉडल में जो देखने को मिलता है वो ये है। ये देखो इसमें अब आपको TCS यानी ट्रैक्शन कंट्रोल भी अब आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बाकी जो मीटर है दोस्तों एक बार मैं फिर ऑन करना चाहूँगा। ये देखो कंप्लीट आपको डिजिटल पैटर्न फॉर्म में इसका आपको मीटर देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको रियल टाइम माइलेज वगैरह ये मोटरसाइकिल बता देने वाली है। कॉल SMS अलर्ट सिस्टम, साथ ही साथ इसमें आपको बैटरी चार्जिंग परसेंटेज और यामाहा वाई कनेक्ट का भी ऑप्शन इस मोटरसाइकिल के साथ यामाहा प्रोवाइड कर रही है। बाइक कंप्लीट मेटल है, फाइबर का बहुत कम ही इस्तेमाल इसमें यामा ने किया है अपने FZX में। ये मैट ब्लू आप कह सकते हो उसे, स्टील है, फाइबर का कोई इसमें लफड़ा है ही नहीं। 139 kg का इसका कर वेट है और जो व्हील बेस है दोस्तों वो आपको 1330 mm यानी 1330 mm का इसका व्हील बेस है। 139 kg का इसमें आपको कर वेट मिल जाता है और इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से यामा ने अपने यामा FZX में जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ये देखिए इंजन के नीचे साइड का आपको इंजन बेली पेन, ये भी मेटल है, फाइबर का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। साथ ही साथ इसमें अब आपको मोबाइल चार्जिंग करने के लिए यहाँ पर आपको सॉकेट दिया गया है 12 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ इसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ, ये रहा आपका DRL ऑन ऑफ करने का स्विच, पास ये हाई बीम लो बीम का स्विच है, पास लाइट स्विच, इंडिकेटर का स्विच और ये हॉर्न मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सिंगल हॉर्न का इस्तेमाल इसमें किया गया है। दूसरे साइड में आपको रेड कलर में इंजन किल स्विच और नीचे की तरफ सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। बाइक स्टार्ट करके मैं आपको इंजन साउंड सुना देता हूँ। ये सुनो, जो टायर सेक्शन है वो आपको 140/60/17 का आपको बैक में आपको टायर लगा के दिया जा रहा है। बोले तो भैया यामा अपने चाहे वो FZX हो, FZ हो या FZS वर्जन 4 हो या फिर R15M V4 या R15M हो, भैया जो बैक का जो टायर सेक्शन है ना वो यामा हमेशा से 140 सेक्शन का ही लगा के देता आ रहा है जो कि अपने सेगमेंट में काबिले तारीफ है। दूसरे साइड का आप लुक देख लो, नंबर ऑफ गियर्स में आपको 5 मिल जाते हैं। साइड स्टैंड कैसे लगाएंगे, खेल खलास, मतलब कि इसमें साइड स्टैंड का इंजन कट ऑफ का स्विच लगा के दिया जा रहा है जो कि सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कलर आप कलर ऑप्शन आप देख सकते हो, एक ये कलर हो गया और भी कलर ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो FZX 01 ब्लू कलर, लेकिन इसमें ये जो है ना दोस्तों यहाँ पे LED इंडिकेटर नहीं है और इसके ठीक बगल में एक कलर ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ, इसमें ये है मैट ब्लैक, लेकिन इसमें भी LED इंडिकेटर नहीं है।
लेकिन आप चाहो तो इंस्टॉल करवा सकते हो। बहरहाल आपका जो कौन सा कलर आपको ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इंजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग। इसमें आपको मिलता है 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक SOHC टू वेल्व BS6 फ्यूल इंजेक्टेड आपको इसमें इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसकी मैक्सिमम पावर इसका जो इंजन जनरेट करके देगा वो आपको 12.4 PS का पावर जनरेट करके देगा 7250 RPM पे। और जो मैक्सिमम टॉर्क जो इसका इंजन आउटपुट निकाल के आपको देने वाला है वो आपको 13.3 Nm का टॉर्क इसका इंजन आउटपुट निकाल के देगा 5500 RPM पे। तो देखा जाए तो डेली कम्यूटिंग के हिसाब से भैया आप डेली पर्पस के लिए आप एक अच्छी मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हो जो कि माइलेज आपको अच्छा खासा प्रोवाइड कर दे, लो मेंटेनेंस हो, फीचर्स आपको करंट सिनेरियो के हिसाब से मिल जाए। पहला और आखिरी नाम मैं कहता हूँ भैया यामाहा है कि इतना सारा फीचर्स आपको 150 सीसी कैटेगरी में यामाहा ने भर भर के दे डाला है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप बताना ना भूले भैया प्राइस पे कि इसका प्राइस ऑन रोड क्या पड़ रहा है। तो यति ऑटोमोबाइल पटना में बिहार में इसका ऑन रोड प्राइस मैं बताना चाहूँगा 1,64,421 रुपया इसका ऑन रोड प्राइस रखा गया है। तो मैंने यति ऑटोमोबाइल पटना यामाहा शोरूम का सारा डिटेल फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप यामाहा स्कूटर और यामाहा मोटरसाइकिल संबंधित कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी नोट पर करते हैं वीडियो खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। लिव फ्री, राइड हार्ट एंड हैव अ सेफ राइड। पीस आउट।